बॉलीवुड के दो सबसे बड़े एक्टर्स अक्षय कुमार और आमिर खान में से किसकी फिल्म पलटेगी बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड नजर। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर पिछले 30 साल से राज कर रहे हैं। साल में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुटाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में इन तीनों में से एक का नाम हमेशा रहता है, लेकिन अक्षय कुमार इन तीनों को सबसे ज्यादा चैलेंज करते रहे हैं। खासकर पिछले 3 सालों में खान्स के बॉक्स ऑफिस किले में अक्षय ने लगातार कॉम्पिटिशन लगाई है, लेकिन अब कुछ समय से अक्षय की फिल्म बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप जा रही है, पहले बच्चन पांडे और फिर सम्राट पृथ्वीराज। लेकिन अब 11 अगस्त को अक्षय की नई फिल्म रक्षाबंधन रिलीज के लिए तैयार है। थिएटर्स में इसके साथ ही आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज होने वाली है। अब बात यहां आती है कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहां अक्षय कुमार की रक्षाबंधन फिल्म के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये फिल्म रक्षाबंधन त्योहार पर बेस्ड है और ये उसी वक्त रिलीज हो रही है। वहीं ये फिल्म फिल्मी ड्रामा मूवी होने वाली है, इसलिए त्योहार सीजन में पूरा परिवार एक साथ इस फिल्म को देखने जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इसे बनाने के लिए आमिर ने अपना 100% दिया है। लेकिन आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर आमिर की इस फिल्म को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए फिलहाल तो अक्षय का पलड़ा भारी है। और एक्टर्स के मुताबिक हो सकता है कि रक्षाबंधन फिल्म लाल सिंह चड्ढा से ज्यादा की ओपनिंग करे, लेकिन लॉन्ग टाइम में तो वही फिल्म चलेगी जिसकी स्टोरी लाइन अच्छी हो और रिव्यूज अच्छे आए। तो अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय की जीत होती है या आमिर की। वेल, इन दोनों में से आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड नजर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।